हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का प्रदीप सर का नमस्कार। आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर ब्रिलियंट एकेडमी में स्वागत है। अभी भी जो नए हैं, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। देखिए दोस्तों, हम लोग मिश्रण की टोटल 4 क्लास अभी तक पढ़ चुके हैं पार्ट पार्ट करके। आज 5वीं क्लास पढ़ने चल रहे हैं, ये सबसे लास्ट क्लास है। इसके बाद आपके ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर नया चैप्टर हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करेंगे, अनुपात समानुपात। वहाँ से आपका अर्थमेटिक बदल जाता है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगी। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग इसकी लास्ट क्लास मिश्रण की बात कर रहे हैं, क्या समान आयतन तथा असमान आयतन। आयतन का मतलब क्या होता है, किसी भी बर्तन की धारिता कितने लीटर है। जैसे 2-3 बर्तन हैं, सब में उतना उतना ही कोई भी द्रव भरा जा सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पर मैंने दो तरीके क्वेश्चन लिखा हुआ है, समान आयतन और असमान आयतन। हम पहले टाइप में समान आयतन को ही पढ़ेंगे और उसी का क्वेश्चन लिखा हुआ है। मैंने लिखा है कि दो बर्तन ए और बी जिनके आयतन आपस में समान हैं, दोनों बर्तनों में दूध और पानी का मिश्रण क्रमशः 4:5 तथा 7:2 के अनुपात में भरा हुआ है। दोनों मिश्रणों को एक बड़े बर्तन में मिला दिया जाता है, तो प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो कुछ लोग इसके लिए एकदम सिंपली बता देते हैं कि अगर समान आयतन का क्वेश्चन है तो अगर दिए गए अनुपातों का योगफल बराबर है तो सजातीय पद को जोड़कर नया अनुपात लिख देते हैं। सजातीय पद का मतलब देखिए, यहाँ पर 4:5 क्या लिखा हुआ है, 5, और 7:2 लिखा हुआ है। ये बर्तन ए है, ये बर्तन बी है, दोनों में आयतन समान है, इसका मतलब मात्रा दोनों में बराबर आती है। इसका मतलब यहाँ देखिए आप 5, 4, 9 जोड़ने पर आ रहा है और यहाँ भी 7, 2, 9 जोड़ने पर आ रहा है। अगर ऐसा आता है तो दूध को दूध के साथ, पानी को पानी के साथ, सिरा को सिरा के साथ, पानी को पानी के साथ, शराब को शराब के साथ, पानी को पानी के साथ, जो भी दो प्रकार के मिश्रण होंगे सजाती को जोड़ करके नया अनुपात बना देंगे। तो 7 और 4 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा, और 5 और 2 जोड़ेंगे तो 5 2 7 हो जाएगा। तो ये आपका नया आंसर हो जाएगा। ये तो आपका एकदम से डायरेक्ट तरीका है, लेकिन अगर कभी किसी ने पूछ लिया कि इसको बेसिक तरीके से कैसे लगाएंगे, तो इसका मतलब हम मान लेते हैं कि माना, एक ही क्वेश्चन बेसिक बताएंगे आपको, माना दोनों बर्तनों का आयतन जो है यक्स है, आयतन बराबर यक्स लीटर है। तो कभी भी कोई इसका बेस पूछता है तो आपको ऐसे बताना है, यक्स मैंने मान लिया। अब हम कहेंगे ए में दूध कितना है, तो ए में दूध बराबर कितना हो जाएगा, आप देख रहे हैं 4 लीटर दूध है, कितने में, 5, 4, 9 में। तो इसका मतलब 4/9 भाग दूध है। अगर यक्स लीटर है तो इसका मतलब इसी में यक्स का गुणा कर देंगे। यक्स का मतलब मान लेते हैं कि दोनों बर्तनों की धारिता जो है 72 लीटर है। अगर इसमें 72 72 लीटर दोनों में आता द्रव, तो इसका मतलब दूध कितना आता, तो 9 8 72, इसका मतलब 8 4 32 आ जाता। अगर दोनों का हमने आयतन यक्स मान लिया है, इसका मतलब दूध का भाग गुणे आयतन, मतलब टोटल मात्रा कितनी है। तो 4/9 दूध का भाग है, इसी में यक्स का गुणा कर देंगे, ए में दूध हो जाएगा। अब उसके बाद बी में दूध अगर निकालना है तो हम कहेंगे बी में दूध कितना है, तो बी में दूध देख रहे हैं 7 है, कितने में, 7 2 9, तो इसका मतलब 7x/9 कर लीजिएगा। ये दूध दोनों में आ गया, कुल दूध कितना हो जाएगा, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो इसका मतलब 7 4 11x/9 लीटर, या इतना भाग दूध हो गया। अब हमको पता चल गया कि ए और बी जब दोनों को मिलाएंगे तो टोटल दूध इतना इकट्ठा होगा। अब फिर उसके बाद हम टोटल पानी निकाल लेते हैं, तो यहां हम लिखेंगे ए में पानी बराबर कितना है, तो ए में पानी कितना दिख रहा है, 5, और नीचे अनुपाती क्यों कर देंगे, 5 4 9, इसका मतलब 5/9 भाग क्या है, पानी है, और टोटल मात्रा अर्थात आयतन यक्स है, तो आयतन का गुणा कर देंगे, तो 5x/9 लीटर समझ लीजिए पानी है। और फिर उसके बाद बी में अगर हम पानी की बात करते हैं तो बी में पानी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 लीटर, और कितने में, 7 2 9, इसका मतलब 2/9 भाग पानी है, और टोटल आयतन कितना है, यक्स है। तो अब इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो कुल पानी कितना आ जाएगा, तो 5 2 7x/9 लीटर, इतना टोटल पानी है, और इतने लीटर क्या है, दूध है।
अब दोनों को मिलाने पर क्या अनुपात आएगा, जिसका मतलब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिंपल लिखना है 11x/9 और अनुपाते 7x/9। तो यहां से 9 से 9 कट गया, x से x कट गया, 11 अनुपाते 7 आंसर निकल करके आ रहा है। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को क्या कर लीजिएगा, सेट करके लगाएंगे बेसिक तरीके से। ऐसे तीन बर्तन होंगे, तीनों के आयतन समान है, तो एक्स वाई जेड कुछ भी आप मानिए एक जैसा, बाद में सब कट जाएंगे। तो इसका एकदम सिंपल नियम यही है कि समान आयतन का अगर क्वेश्चन है, बस यही आपको सुनना है कि यदि समान आयतन का प्रश्न हो और दिए गए अनुपातों में सभी पदों को जोड़ने पर क्या आ रहा है, योगफल बराबर आ रहा है, तो दूध को दूध के साथ, पानी को पानी के साथ जोड़ देंगे तो वही आपका नया अनुपात हो जाएगा। तो 4 अनुपाते 5 दिया हुआ है यहां पर, 4 अनुपाते 5 दिया है, ये बर्तन ए है, और 7 अनुपाते 2 दिया है बर्तन बी। तो दोनों में अनुपातों का योगफल कितना आ रहा है दोस्तों, 9 आ रहा है। इसका मतलब यहां पर आयतन समान है, तो दूध को दूध के साथ जोड़ दीजिए, पानी को पानी के साथ, 7 7 7 4 11 हो जाएगा, अब 5 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। तो नए बर्तन में या नए मिश्रण में दूध और पानी किस अनुपात में होंगे, 11 अनुपाते 7 के अनुपात में होंगे। क्लियर है दोस्तों। अगर इसी तरीके से मैंने एक क्वेश्चन और सेम कुछ कर दिया, बस सारा चीज वैसे ही लिखा हुआ है, सिर्फ अनुपात को मैंने चेंज कर दिया है। जैसे यहां पर अनुपात को मैंने लिख दिया है क्या, 7 अनुपाते मैंने लिख दिया है 5, और दूसरे वाले का हमने अनुपात लिख दिया है क्या दोस्तों, यहां पर मैंने लिख दिया है अनुपात 1 अनुपाते 5 लिख दिया है। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि दो बर्तन ए और बी हैं, जिनके आयतन आपस में समान है, दोनों बर्तनों में दूध और पानी कोई भी दो प्रकार का आप वस्तु भर सकते हैं द्रव, तो दूध और पानी का मिश्रण क्रमशः 7 अनुपाते 5 तथा 1 अनुपाते 5 के अनुपात में भरा हुआ है। दोनों मिश्रणों को एक बड़े बर्तन में मिला दिया जाता है, तो प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो इसके लिए आप लोगों को दोस्तों कुछ करना नहीं है, सिर्फ पहले देखना है क्या अनुपात लिखा है। तो अनुपात लिखा हुआ है यहाँ पर दोस्तों 7 अनुपाते 5 लिखा हुआ है, और दूसरे वाले में 1 अनुपाते 5 लिखा हुआ है। तो क्या यहाँ पर अनुपातों का योग बराबर है, इसमें अनुपात जोड़ने पर 7 5 12 यूनिट आ रहा है, और इसमें जोड़ने पर 5 1 6 ही आ रहा है। ऐसे कंडीशन में जब आपका समान आयतन का क्वेश्चन हो और दिए गए अनुपातों में योगफल बराबर ना आए, तो सबसे पहले हम योगफल को बराबर करते हैं। तो योगफल बराबर करने के लिए यहाँ 7 5 12 हो रहा है, और यहाँ पर 5 1 6 हो रहा है, तो 12 और 6 का लासा कितना आ जाता है, एलसीएम कितना आएगा, 12 ही आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 का हम गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 1 2 2 5 10, और 2 अनुपाते 10 को आप छोटे में 1 अनुपाते 5 लिख सकते हैं, और बाकी 7 अनुपाते 5 ऐसे ही रहेगा। अब हमने योगफल बराबर कर लिया है, तो दूध को दूध के साथ जोड़ लीजिए, पानी को पानी के साथ जोड़ लीजिए, 7 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 9 आएगा, और 10 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा, 3 से दोनों डिविजिबल हैं, तो 3:5 आपका आंसर हो जाएगा, कंफर्म है। तो अगर यहाँ पर अनुपातों का योग बराबर नहीं है तो हम पहले अनुपातों का योग कर लेंगे, फिर उसका एलसीएम निकाल लेंगे, तो जो एलसीएम आएगा वही सब बराबर आना चाहिए। तो 12 आया है तो सबका योग बराबर 12 होना चाहिए, तो यहाँ तो 7 5 12 हो रहा है, तो यहाँ 5 1 6 ही हो रहा है, तो जब 2 का गुणा करेंगे तभी 12 आएगा। तो 2 अनुपाते 10 किसके बराबर है, 1 अनुपाते 5 के बराबर है, बस इसका बड़ा रूप है, उसको हम छोटा कर दिए थे, बस इतना क्लियर दोस्तों। अगर इसी में सपोज दैट 2 बर्तन के बजाय आ गए आपके 3 बर्तन, क्वेश्चन सेम है, 3 बर्तन ए बी और सी मैंने कर दिया, ए बी और सी हैं जिनके आयतन आपस में समान हैं, यहां पर हमने लिख दिया क्या, तीनों बर्तनों में दूध और पानी का कोई भी आप मिश्रण ले सकते हैं, दूध और पानी का मिश्रण क्रमशः यहां पर हमने लिख दिया क्या दोस्तों, दूध और पानी का अनुपात क्रमशः हमने लिख दिया 8 अनुपाते 3, हमने लिख दिया 8 अनुपाते 3 लिख दिया, और यहां पर मैंने लिख दिया 7 अनुपाते 4 लिख दिया, और यहां लिख दिया मैंने तथा 5 अनुपाते 6 के अनुपात में भरा हुआ है। फिर उसके बाद मैंने लिख दिया यहां पर क्या, कि तीनों मिश्रणों को
एक बड़े बर्तन में मिला दिया जाता है तो प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो इसके लिए दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि जो अनुपात दिया गया है और दो चीज क्या देना है आपको, एक ये देखना है कि आयतन आपस में क्या है, समान है, आयतन समान है और दिए गए अनुपातों का अगर योगफल समान है तो दूध को दूध के साथ पानी को पानी के साथ मतलब सजाती को जोड़ना है। तो यहां समान आयतन एक कंडीशन तो दे दिया है, सब में उतने उतनी मात्रा आती है, तब यहां अनुपात क्या दिया हुआ है, 8:3 दिया है, 7:4 दिया हुआ है और 5:6 दिया हुआ है। अब यहां पर देखेंगे 8:3 11 7:4 11 5:6 11 सबका योग 11:11 आ रहा है, जिसका मतलब हमको यहां पर एलसीएम ओलसीएम नहीं निकालना है, कुछ गुणा भाग नहीं करना है, इसका मतलब योग फल समान हो तो दूध को दूध के साथ पानी को पानी के साथ जोड़ देंगे, तो सजाती को सजाती के साथ जोड़ेंगे, पहला आपका दूध है तो 8:7 15 5:20 आ रहा है, जोड़ने पर जोड़ लिया मैंने। अब उसके बाद यहां पर देखेंगे 3 और 4 जोड़ेंगे 7 3 4 3 7 और 7 में 6 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 13 हो जाएगा। इसका मतलब 20:13 क्या हो जाएगा, नए मिश्रण का अनुपात हो जाएगा। कंफर्म है दोस्तों, इतना क्लियर है। अब इसके आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों उसी का एक क्वेश्चन में और बता दे रहा हूं, फिर उसके बाद असमान आयतन में हम लोग आ जाएंगे। कह रहा है कि 3 बर्तन एबीसी हैं, जिनकी धारिता कहे, मात्रा कहे, आयतन कहे, उससे मतलब नहीं, जिनकी धारिता आपस में समान है या बराबर है, कुछ भी दे सकता है। तीनों बर्तनों में दूध और पानी का मिश्रण क्रमशः 11:9 7:3 3:2 बस हमको यही अनुपात से मतलब है। कह रहा है 11:9 आपको दिया हुआ है, 11:9 दिया है और दूसरे का क्या दिया हुआ है, 7:3 दिया है और तीसरे में 3:2 दिया है, इतना दिया है के अनुपात में भरा हुआ है। तीनों मिश्रणों को एक बड़े बर्तन में या एक चौथे बर्तन में मिला दिया जाता है तो प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताइए। तो हमने यहाँ दूध पानी लिया है, कोई भी मिश्रण दे सकता है, मैंने पहले आपको बता दिया है। अगर समान आयतन दिया हो तो दिए गए अनुपातों को हमेशा जोड़ लेते हैं, तो 11:9 20 हो रहा है, 7:3 10 हो रहा है, 3:2 5 तो 20 10 5 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं दोस्तों तो 20 10 और 5 का एलसीएम 20 ही तो आता है। तो इसका मतलब हमें अगर लासा 20 आ रहा है तो सबको हमें 20 20 करना है, तभी तो योगफल समान होगा। अगर आयतन समान है तो हमको योगफल बराबर, अगर दिया है तो डायरेक्ट जोड़ देंगे, नहीं दिया है तो योगफल बराबर करेंगे, इतना ही करना है। तो 11:9 20 30 में हो रहा है, 7:3 10 हो रहा है, 3:2 5 तो सबका जो एलसीएम निकल के आया है दोस्तों 20 आया है, तो सबको हमें 20 बनाना है। तो यहाँ 11:9 20 है, इसका मतलब इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ 7:3 10 है तो 10 2 20 इसमें हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, और 3 2 5 है तो 5 6 20 इसमें हम 4 का गुणा करेंगे। क्लियर दोस्तों, और इसमें हमें कुछ नहीं करना है, ऐसे ही या 1 का गुणा करना है। तो 11:9 20 आपका हो रहा है, ऐसे लिख लेंगे हम, और यहाँ 7:3 10 2 20 हो जाएगा, 2 7 14 और 2 3 6 ये और ऊपर वाला दोनों आपस में बराबर है, बस अपना हम काम बना रहे हैं बस। तो 14 6 20 हो रहा है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 7:3 आएगा। तो यहाँ 4 3 12 और 4 2 8 तो कहीं 12:8 लिखा है, तो उसको हम काट करके 3:2 ले सकते हैं, आप सभी जानते हैं। सब में देखिए योगफल समान हो गया, तो सबका योगफल देखिए 20 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब हम दूध को दूध के साथ पानी को पानी के साथ सजाती को जोड़ेंगे, तो 11 14 जोड़ेंगे तो 25, अब 25 में अगर हम जोड़ देते हैं 12 तो कितना हो जाएगा, 37। तो यहां हमने लिख दिया 37। क्लियर, अब यहां पर 9 और 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15, अब 15 में 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 23। तो इसका मतलब 37:23 हो गया। तो ये आपका मिल्क है और दूसरा वाला वाटर है, इसका मतलब क्या आ गया, दूध और पानी में 37:23 का अनुपात आ गया। कभी कभी दे देता है कि इस मिश्रण में दूध का जो मात्रा है पानी की मात्रा का कितना प्रतिशत है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, ये आपने निकाल लिया है दूध की मात्रा पानी का कितना परसेंट है, तो पानी का कितना परसेंट है तो आपको कुछ करना नहीं। यहाँ 37 जिसका कहेगा वो नीचे चला जाएगा, 23 गुणे 100 कर देना है, तो 37 100/23 करेंगे तो भाग करने पर लगभग 160% आएगा, डिवाइड करेंगे तो अगर पानी की मात्रा पूछ लेता है तो 23/37 × 100 कर देंगे, तो पानी की जो मात्रा है दूध का कई परसेंट, ये सब भी पूछता है कभी कभी, बढ़ा देता है क्वेश्चन,
तो लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको इसके आगे भी चीजें सीखना है। इतना कंफर्म हो गया हो दोस्तों, तो हम समान आयतन क्लियर कर चुके हैं, तो अब हम थोड़ा सा असमान आयतन पर चर्चा कर लेते हैं। क्लियर है दोस्तों? अगर आपको कंफर्म हो गया होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं असमान आयतन। देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर रहे हैं टाइप टू की। अब टाइप टू में हम लोग क्या पढ़ेंगे? असमान आयतन। तो सेकेंड टाइप में असमान आयतन के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो इसका क्वेश्चन थोड़ा सा क्या, थोड़ा सा चेंज करता है, बस वही आयतन या धारिता या मात्रा में अनुपात दे देता है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। लिखा है कि दो बर्तन ए और बी हैं, जिनके आयतन में 2:3 का अनुपात है। इसका मतलब पहले का आयतन अगर 2 लीटर है तो दूसरे का 3 लीटर, पहले का 20 लीटर है तो दूसरे का 30 लीटर, तो ऐसा कुछ है। समायतन में 2:3 का अनुपात है, दोनों बर्तनों में दूध और पानी का मिश्रण। आप सोच रहे होंगे दूध है पानी क्यों बता रहे हैं, तो कोई मिश्रण आप ले सकते हैं। तो दूध और पानी का मिश्रण क्रमशः 5:2 तथा 3:4 के अनुपात में भरा हुआ है। दोनों मिश्रणों को एक बड़े बर्तन में या एक तीसरे बर्तन में मिला दिया जाता है। मिलाने के बाद कह रहा है कि प्राप्त नए मिश्रण में क्या दूध और पानी की मात्रा में अनुपात होगा। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, एक चीज ध्यान देना है, अगर इसको फिर से बेस आप बनाएंगे तो इसका मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे ए, बेस फिर से बता दे रहे हैं, ए में दूध कितना है, तो ए में दूध कितना है 5, और नीचे आनुपातिक योग 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। 5/7 भाग दूध है, और इसका आयतन कितना दोस्तों दिया है 2:3। अगर इसका आयतन 2 है तो इसको हम 2x मान लेते हैं, तो 5×10x/7 हो जाएगा। बस वही आयतन का हम गुणा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ए में दूध कितना है 10x/7। मान लीजिए किसी x के स्थान पर या 2x के स्थान पर मान लीजिए लिखा होता 70, 35×70 मान लीजिए होता, तो 70 में जब 7 से भाग करते 10 बार जाता, 10 का 5 गुणा करते तो 50 लीटर आ जाता। बस वही x के रूप में है, या आप दो अकेले रहने देते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो अनुपात को अलग कभी भी लिखते तो उसके साथ कोई ना कोई गुणांक हम जोड़ते हैं, तो यहाँ हमने x का गुणा कर दिया है। ए का आयतन 2x है, बी का आयतन 3x है, इतना क्लियर है। अब बी में दूध अगर देखेंगे तो बी में दूध अगर देख लेते हैं दोस्तों, तो बी में कितना दूध है 3 है, कितने में 4×3 7, तो 3/7 कर देंगे गुणे बी का आयतन 3x मानेंगे, तो इसका मतलब 3×9x/7 हो जाएगा। क्लियर है? अब हम यहां पर दोनों को अगर ऐड कर लेते हैं तो इसका मतलब दोनों का हर समान है, तो इसका मतलब 10×9=19x/7 हो जाएगा। इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 19x/7 लीटर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों? अब हमको ए और बी में दूध की मात्रा पता चल गया है। इसी तरीके से अगर ए और बी में हमको पानी निकालना पड़ जाए तो इसका मतलब हम कहेंगे ए में पानी बराबर कितना है, तो ए में पानी कितना हो जाएगा, उसी तरीके गुणा करेंगे हम लोग, 2/7 लिखेंगे, फिर 2 का गुणा कर देंगे, इसका मतलब 2×2=4x/7 आ जाएगा। समझ लेंगे दोस्तों? इसका मतलब 2/7 था, 2x का गुणा करेंगे, 2×2=4x/7 हो जाएगा। अब फिर उसके बाद बी में अगर हम पानी देखना चाहते हैं तो बी में पानी कितना हो जाएगा दोस्तों, 4/7, और उसमें 3 का गुणा कर देंगे, 4×3=12x/7 हो जाएगा, तो 12x/7 लीटर हो जाएगा। तो अब यहां पर जोड़ेंगे तो 12×4=16x/7, जब जोड़ेंगे तो 12×4=16x/7 में क्या हो जाएगा 7 लीटर। कंफर्म है? 16x/7 क्या हो रहा है पानी, और 19x/7 हो रहा है क्या दूध। तो इसका मतलब मिल्क अनुपाते वाटर अगर देखेंगे तो 19x/7 अनुपाते 16x/7, तो यहां 7 से 7 x का मैंने पहले बताया तो कट जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा 19:16। ये जाकर के इसका मैनुअल अर्थात बेसिक मैटर होगा, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका मतलब दूध का भाग गुणे आयतन, पानी का भाग गुणे आयतन, फिर दूध को दूध के साथ जोड़ लिए, पानी को पानी के साथ जोड़ लिए, फिर नया रेशियो मैंने निकाल लिया है। इतना क्लियर हो गया हो दोस्तों? तो आइए इस चीज को हम लोग देखते हैं डायरेक्ट किस तरीके से लगाएंगे। इतना कंफर्म हो गया है, इसका बेसिक रूप है, ऐसे ही 3 बर्तन होंगे तब भी सभी के आयतन का हम क्या करेंगे, उनके भाग में गुणा करेंगे। भाग निकालना आता ही है, इसका मतलब जिसका भी हमें भाग निकालना है, दूध का भाग निकालना है, दूध का अनुपात बटे आनुपातिक योग, पानी का अनुपात बटे आनुपातिक योग, उसके बाद आयतन का गुणा करते हैं। अब यहां पर एक चीज देखना है, अगर असमान आयतन है, असमान आयतन का मतलब अलग अलग धारिता वाला है,
तो आपको सबसे पहला काम देखना है क्या योगफल समान है। अगर योगफल समान है तो इसका समझ लीजिए एक फार्मूला ऐसे हम बता देते हैं कि समान योग गुणे आयतन। बस अगर योगफल समान है तो उसी में हम क्या कर देंगे, आयतन का गुणा कर देंगे। फिर इसके बाद दूध को दूध के साथ, पानी को पानी के साथ, देखिए कैसे करेंगे आप लोग। 5:2 दिया है जिसका मतलब 5×2=7 हो रहा है। दूसरे में 3:4 दिया है जिसका मतलब 4×3=7 हो रहा है। अब यहां पर योगफल तो समान हो गया, अगर योगफल समान हो तो उसमें हम आयतन का गुणा कर देते हैं। तो क्या आयतन है, पहले वाले का आयतन 2 लीटर है या 2x है, तो इसमें x नहीं मानेंगे क्योंकि कट जाएगा अनुपात में। और दूसरे का आयतन 3 है जिसका मतलब 3 का गुणा कर लेंगे। तो क्या लिखा है, समान योग है तो आयतन का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 10:4 हो जाएगा। अलग अलग में गुणा करेंगे, जोड़कर नहीं करेंगे। और यहां पर 3×3=9, 3×4=12 हो गया। क्लियर दोस्तों। अब यहां पर चाहे योग समान हो चाहे ना हो, आयतन का गुणा करने के बाद ना तो हम इसको काटेंगे और ना ही हम योग करेंगे। अब हमको करना क्या है, दूध को दूध के साथ, पानी को पानी के साथ। तो 10 और 9 जोड़ने पर 19 आ रहा है, 12 और 4 जोड़ने पर 7 आ रहा है। इसका मतलब नए मिश्रण में मिल्क और वाटर क्या रहा है, 19:16 आ रहा है। कंफर्म हो गया दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोगों को क्लियर हो गया हो तो अगला क्वेश्चन हम मान लेते हैं, इसी में बता देते हैं कि 3 बर्तन दे दिया। जैसे कह दिया 3 बर्तन ए बी और सी हमने यहां पर मान लिया, A, B और C, जिनके आयतन में हमने क्या मान लिया कि 2:1:3 या धारिता का अनुपात है। फिर हमने यहां लिख दिया मैंने क्या कि तीनों, बस थोड़ा थोड़ा चेंज करता है, तीनों बर्तनों में दूध और पानी का मिश्रण क्रमशः। अब भी यहां भी हमें एक थोड़ा फिर योग समान कर देते हैं, मिश्रण क्रमशः हमने लिख दिया क्या कि 3:2, 1:4, 2:3। इतना लिख दिया मिश्रण क्रमशः 3:2, 1:4, 2:3 के अनुपात में भरा हुआ है। फिर इसके बाद हमने लिख दिया यहां पर क्या, आप लोग खुद क्वेश्चन बना सकते हैं कि तीनों मिश्रणों को एक बड़े बर्तन में या चौथे बर्तन में मिला दिया जाता है तो प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो आप लोगों को पहले वाले मेथड से समझ में आ रहा होगा कि हमें करना किस तरीके से है। बस हमने यहाँ बर्तन 3 कर दिए हैं, बाकी और कुछ किया नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि पहले में दूध और पानी का क्या अनुपात है, 3:2। सीधा पानी भी दे सकता है, शराब पानी भी दे सकता है, तो आपको मिश्रण से मतलब नहीं है कितने टाइप के हैं। ये लिखा हुआ है तो आप लोगों को क्या लिखा है कि समान योग पहले करना है। अगर समान योग है तो डायरेक्ट आयतन का गुणा कर देंगे। तो यहां देखिए 3×2=5, 4×1=5, 3×2=5, तो योग तो समान है ही। पहले वाले में पहले का आयतन कितना है, 2 का गुणा करेंगे। दूसरे का आयतन 1 है तो 1 का गुणा करेंगे। तीसरे का आयतन 3 है तो 3 का गुणा करेंगे। तो गुणा करने के बाद जो गुणनफल आएगा उसको नीचे ले लेंगे, 2×3=6, 2×2=4, काटेंगे नहीं, नहीं काटने पर फिर वही आ जाएगा। फिर उसके बाद यहां गुणा करेंगे तो 1:4, यहां गुणा करेंगे 3×2=6, 3×3=9। अब यहां पर हमको योग नहीं करना है कि समान योग है कि नहीं है, ऊपर समान योग है तो आयतन का गुणा करना है। फिर गुणा करने के बाद दूध को दूध के साथ, पानी के पानी के साथ जोड़ेंगे तो 6×1=7, 7×6 कितना आ जाएगा, 13। तो यहां हम क्या लिखेंगे डायरेक्ट दोस्तों, Milk/Water बराबर आप जोड़ लेंगे कि 6×1=7, 7×6=13, 13 लीटर या 13x दूध आ रहा है। और फिर 4×4=8, 9×9=17 हो जाएगा। तो इसका मतलब 13:17 क्या आएगा, नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा में अनुपात आएगा। कंफर्म है दोस्तों, अगर ऐसा दे दिया है तो आप लोगों को बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन इसी में कभी कभी थोड़ा सा चेंज कर देता है। क्या चेंज करता है उस चीज को भी आप समझ लीजिए, बस यही करता है कि योग फल समान नहीं करता। अगर योग फल समान नहीं किया, जैसे मैंने लिख दिया कि 3 बर्तन ए बी और सी हैं जिनके आयतन में हमने लिख दिया यहां क्या है, 1:2:3, इतना लिख दिया का अनुपात है तीनों बर्तनों में दूध और पानी का मिश्रण। अब यही हमें अनुपात ही क्या करना है, अलग करना है। योग अभी तक समान था, समान योग नहीं रहेगा, बस वही आप समझ लीजिए। बस कह रहा कि दूध और पानी का मिश्रण क्रमशः हमने लिख दिया क्या यहां पर, 1:3 लिख दिया। फिर उसके बाद यहां पर लिख दिया 5:1
एक लिख दिया और यहां पर दो अनुपाते एक, कंफर्म है दोस्तों। तीनों मिश्रणों में कह रहा मतलब तीनों बर्तनों में दूध और पानी का मिश्रण क्रमशः एक अनुपाते तीन, पांच अनुपाते एक, दो अनुपाते एक के अनुपात में भरा हुआ है। तीनों मिश्रणों को एक बड़े बर्तन में मिला दिया जाता है तो प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं दोस्तों एक अनुपाते तीन दिया हुआ है और फिर उसके बाद हमें पांच अनुपाते एक दिया हुआ है और फिर दो अनुपाते एक दिया है। क्या योगफल समान है? अगर योगफल समान नहीं है तो पहला काम आपको करना है योगफल समान करना। तो योगफल समान करने के लिए हम जोड़कर लासा ले लेते हैं, तीन एक चार हो रहा है, पांच एक छह हो रहा है, दो एक तीन हो रहा है, तो चार कामा छह कामा तीन का अगर एलसीएम हम देखेंगे तो बराबर 12 आता है। 12 आता है तो हमको सबको 12-12 बनाना है। तो इसका मतलब तीन एक चार हो रहा है, इसमें तीन का गुणा कर देंगे तो अपने आप 12 हो जाएगा। तीन कन्नम तीन, तीन त्रिका नौ। तो इसका मतलब यहां पर तीन अनुपाते नौ लिख दिया मैंने, तो काटने पर वही चीज आएगा, एक अनुपाते तीन ही आएगा। तो इसका मतलब हमें काटना नहीं, योग बराबर कर रहे हैं। पांच एक छह हो रहा है, इसमें कितने गुणा कर दें 12 हो जाए, दो का, क्योंकि हमें एलसीएम पता चल गया कि सबका योग बराबर करना है, तो योग 12 करना है सबका। तो दो पंचे दस, और फिर दो एक अन्नम दो, और उसके बाद यहां पर दो एक तीन चौके 12, इसमें चार का अपने से गुणा कर रहे हैं, तो चार दूना आठ, चार एक अन्नम चार, काटने पर फिर वही सारी चीज आ जाएगा। तो अब हमारा यहाँ पर योग फल समान है। अगर योग फल समान है तो हमने क्या बताया, समान योग फल, उसके बाद हम कहेंगे गुणे आयतन। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो समान योगफल गुणे आयतन कर दिए तो अब हमारा आयतन में क्या अनुपात दिया हुआ है। अगर यही समान आयतन होता है दूध को दूध के साथ पानी के पानी साथ जोड़ लेते, लेकिन अभी आयतन मचा हुआ है। इसका आयतन है एक है तो एक का गुणा करेंगे, इसका आयतन दो है तो दो का गुणा करेंगे, इसका आयतन तीन है तो तीन का गुणा करेंगे। कन्फर्म है? तो इसका मतलब गुणा करने पर ये तो तीन अनुपाते नौ ही आएगा। इसका आयतन दो है तो बीस अनुपाते क्या आएगा, चार आएगा। इसका आठ त्रिक 24 अनुपाते 12 आएगा। तो अब हमको यहां पर करना क्या है, दूध को दूध के साथ पानी को पानी के साथ जोड़ लेना है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, तीन है यहाँ 20 है, तो इसका मतलब 20 और तीन जोड़ने पर 23 आ रहा है, और 23 में अगर हम 24 जोड़ देते हैं तो 47 हो जाता है। तो मिल्क अनुपाते वाटर की बात अगर करेंगे तो 47 आ गया। अब हम पानी को पानी के साथ जोड़ेंगे, जिसका 9 है इसका 4 है, तो 9 4 13, और 13 में और हम कितना जोड़ देंगे 12 जोड़ देंगे, तो 13 12 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो ये नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है। कंफर्म है दोस्तों? तो आप सभी लोगों को समान और असमान आयतन वाले क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, मैंने सारी चीज बता दिया है। अब इसी में थोड़ा सा हम आइए दो चार क्वेश्चन अलग तरीके से देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा हुआ, इस तरीके काफी क्वेश्चन आते हैं आपके, इसलिए हम एक दो क्वेश्चन इस पे बता दे रहे हैं ताकि कोई क्वेश्चन फंसे ना। जैसा लिखा हुआ, किसी बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण 5:3 के अनुपात में भरा है। इस मिश्रण में से 24 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर 24 लीटर पानी मिला दिया जाता है, तो नई स्थिति में दूध और पानी की मात्रा में 7:9 का अनुपात हो जाता है, तो मिश्रण की प्रारंभिक कुल मात्रा बताइए। तो आप लोगों को दोस्तों इसमें करना कुछ नहीं है, एकदम सिंपल चीज हम बता रहे हैं। यहां पर दिया हुआ है 5:3 दिया हुआ है, तो इसका मतलब हम इसको अलग करेंगे, जिसका मतलब ये 5x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। जैसे हम बता रहे हैं फास्ट आपको लगाना है, समझना अकेले है। अब हम यहां इतना लिख दिए हैं, अब हम चलेंगे किसके अनुसार, प्रश्न अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। अब हम प्रश्न के अनुसार चल रहे हैं तो कुछ आपको नहीं करना है। ये टोटल 5x दूध हो गया है और ये टोटल 3x पानी हो गया है। कंफर्म है दोस्तों? अब आप 24 लीटर क्या निकाल रहे हो, मिश्रण निकाल रहे हो। अगर 24 लीटर मिश्रण निकाल रहे हैं तो इसका मतलब दोनों दूध और पानी मिला हुआ है, तो दोनों निकलेगा। अब आपको बताना है कि दूध कितना निकलेगा, तो माइनस कर दीजिए, दूध का भाग कितना है 5/8, 5/8 भाग निकल जाएगा। किसका 5/8, 24 लीटर का, इसी में हम 24 का गुणा कर दिए। इसको आप अपने से मौखिक भी अलग से कर सकते थे। फिर इसमें पानी भी कितना निकल रहा है, तो पानी कितना निकलेगा दोस्तों,
तीन बटे आठ निकलेगा। किसका तीन बटे आठ? चौबीस का तीन बटे आठ पानी निकल जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ आठ त्रिक चौबीस नौ निकलेगा, और यहाँ आठ त्रिक चौबीस पांच तीन पंद्रह लीटर दूध निकलेगा और नौ लीटर पानी निकलेगा, क्योंकि पांच अनुपातें तीन के अनुपात में भरे हुए हैं। तो पांच तीन आठ हो रहा था, आठ त्रिक चौबीस, इसका मतलब पांच तीन पंद्रह, तीन त्रिक नौ, डायरेक्ट पंद्रह माइनस और नौ कर सकते थे। इतना निकल गया, फिर क्या मिलाया गया? प्लस 24 लीटर फिर से पानी मिला दिया गया, तब जाकर बराबर में क्या अनुपात हो रहा है? सात अनुपात नौ, अनुपात को ही भिन्न कहते हैं। तो आप लोग दोस्तों देखिए, पांच एक्स माइनस पंद्रह हो रहा है, तो हम वही चीज लिख देंगे पांच एक्स माइनस पंद्रह, और फिर पूरे के बटे में तीन एक्स लिख देंगे। माइनस नौ है और प्लस चौबीस हो रहा है, तो नौ माइनस नौ को चौबीस में से अगर घटा देंगे तो इसका मतलब यहां पर प्लस के पंद्रह बचेगा। कंफर्म है दोस्तों? अब बराबर हम क्या कर देंगे? सात बटे नौ। अब आपको कुछ नहीं करना है, त्रिक मल्टीप्लाई कर लेना है, बस वही आपका यक्स का मान हो जाएगा। तो नौ बचे पैंतालीस यक्स हो गया, अब फिर पंद्रह नवीय कितना हो जाएगा? एक सौ पैंतीस, तो माइनस एक सौ पैंतीस हो गया। बराबर सात त्रिक इक्कीस एक्स हो जाएगा, तो यहाँ इक्कीस एक्स लिख दिए। अब फिर उसके बाद सात में पांच पंद्रह गुणा कर पंद्रह सत्ते एक सौ पांच हो गया, प्लस का एक सौ पांच हो जाएगा। क्लियर? एक्स एक तरफ करेंगे तो ये इक्कीस एक्स आकर अगर पैंतालीस एक्स में घट जाएगा तो इसका मतलब चौबीस एक्स बचेगा। कंफर्म है दोस्तों? अब माइनस एक सौ पैंतीस अगर एक सौ पांच में जाएगा जुड़ जाएगा, क्योंकि माइनस उधर जाकर जुड़ेगा तो दो सौ चालीस हो जाएगा। तो यक्स की वैल्यू कितना निकल के आ रही है दोस्तों? 10 आ रही है। जब यक्स की वैल्यू 10 आ रही है तो प्रारंभ में क्या अनुपात था? पांच अनुपात तीन था, और इसी को आप पांच एक्स तीन एक्स माने थे। तो कुल मात्रा कितनी थी शुरू में मिश्रण की? पांच तीन आठ यक्स था। अब यक्स की वैल्यू 10 निकाल चुके हैं, तो इसका मतलब आठ गुणे 10 कर देंगे तो 80 लीटर शुरू में मिश्रण था, और अलग अलग पूछा होता तो इसका मतलब 10 का यहां पर गुणा करते 10 बचे 50 लीटर दूध और 30 लीटर पानी। कंफर्म है दोस्तों? इतना क्लियर हो गया है। तो इसी का एक क्वेश्चन अब की बार देते हैं, कहता है कुछ लीटर मिश्रण निकाल कर, तो कुछ कहता है तो उसके लिए क्या करेंगे? देखिए दोस्तों, उसी का एक क्वेश्चन फिर से दे दिया है, या पूछा गया है, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। कह रहा किसी बर्तन में दूध और पानी का 50 लीटर मिश्रण 3:2 के अनुपात में भरा है। इस मिश्रण में से कुछ लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया जाता है, तो नई स्थिति में दूध और पानी की मात्रा में 12:13 का अनुपात हो जाता है, तो उसमें से कितना मिश्रण निकाला गया? तो इसका मतलब आपको यही चीज बताना है, तो कुछ नहीं करना है। जो आपका 50 लीटर है टोटल, उसका अनुपात क्या दिया हुआ है दोस्तों? 3:2। तो यहीं से हमको पता चल रहा है कि 30 और 20 मान सकते हैं, निकालेंगे तब भी आ जाएगा। इतना समझ में आ रहा है दोस्तों? 3:2 है तो 50 है, 30 20 तभी तो आएगा 50। कंफर्म है? तो अब आपको दोस्तों करना क्या है, आप 30 लीटर क्या लिखा है इसमें मिल्क है, और 20 लीटर क्या है? वाटर है। डायरेक्टली आपको कैसे करना है, बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचना है, बेसिक से ही आपको बनाना है, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगाना है। अब हमने मान लिया कि माना एक्स लीटर निकाले हैं, हमने यहां पर मान लिया कि माना एक्स लीटर मिश्रण निकालने पर मिश्रण निकाला गया, बस ये तो आप मौखिक भी मान सकते हो, लेकिन क्या जरूरत है? तो इसका मतलब एक्स लीटर आप निकाल रहे हैं तो उसमें से कितना दूध निकलेगा, कितना पानी निकलेगा? तो इसका मतलब हम 30/20 लिखे हुए हैं, जिसमें से हम दूध भी घटाएंगे, तो आपको पहले बता दिए भाग। तो इसका मतलब दूध का भाग कितना है? 3/5 है, और इसमें से एक्स निकालेंगे तो एक्स का गुणा हो जाएगा, शुरू से बताते आ रहे हैं। पानी का भाग कितना है? 2/5 भाग पानी है, अनुपात अगर दिया है 60% दूध है और 40% पानी है, तो 60% को 3/5 ले सकते हैं और 40% को 2/5 ले सकते हैं, और उसमें से एक्स निकालें तो एक्स का हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब फिर उसके बाद करा उतना ही पानी मिलाया गया, तो इसका मतलब प्लस एक्स, पानी मिलाया गया तो पानी में ही वृद्धि करेंगे। अब ये बराबर किसके हो जाएगा दोस्तों? 12/13 के हो जाएगा। कन्फर्म है? अब इसको हल करना आपको आना चाहिए, तो हल करने पर जो आएगा वही आंसर आपका हो जाएगा। तो इसके बाद आपको कैलकुलेशन करना, क्योंकि यही इतना समझना था, त्रिक मल्टीप्लाई करेंगे, 33 39 390 हो जाएगा, और फिर 33 39 एक्स बटे में 5 हो जाएगा। इतना समझ में आया दोस्तों? अब बराबर यहां पर आप देखेंगे 12 2 24 240 हो जाएगा, अब 12 2 24 x/5, यहां -24 x/5
5 और फिर उसके बाद प्लस 12x भी रहेगा। x को सब एक तरफ कर लीजिए और गिनती को एक तरफ कर लीजिए, 390 माइनस कितना हो जाएगा 240। अब बराबर ये 39x उधर जाके प्लस हो जाएगा, इसका मतलब 39x बटे 5 और माइनस 24x बटे 5 अब प्लस 12x है, तो इसको आप 39 में अगर 24 घटा देंगे तो आ जाएगा 15x बटे 5। अब 15x बटे 5 को 3x ले सकते हैं, तो 3x को जब 12x में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 15x आ जाएगा। तो इसको हल करने पर क्या आएगा दोस्तों 15x, और यहाँ पर 39 में 24 घटाएंगे 15 बचता है, ऐसे जीरो लगा लिए, तो इसका मतलब 15 × 150, तो x बराबर क्या आ रहा है दोस्तों 10 लीटर आ रहा है, कंफर्म हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन लगाएंगे, कुछ क्वेश्चन अभी हम आपको अनुपात समानुपात में भी इसका बताएंगे मिश्रण के, बाकी इतना मैंने जो बताया है इतना इनफ है, आप इतना क्लियर करिए लगाइए कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, बहुत लंबा वीडियो नहीं बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को लगाएंगे तो मिश्रण के क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपके सॉल्व हो जाएंगे, तो मैंने मैक्सिमम प्रयास किया है आपको मिश्रण को समझाने का, जिससे आप इसकी सहायता से आप कोई भी किताब कोई भी नोट्स या कोई प्रैक्टिस सेट आसानी से हल कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और अभी आप सभी लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दिए, चैनल को जो लोग अभी भी नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।